महेश्वरी बालिका विद्यालय अंतर्गत महेश्वरी सभा का इंटर हाउस क्विज प्रतियोगिता क्विजेथॉन 2023 रवींद्र मंच पर सम्मानित अतिथियों, समिति के सदस्यों, शिक्षकों, अभिभावकों और एमबीवी के छात्रों की उपस्थिति में आयोजित की गई। मंच पर श्री गौरी शंकर जी सोमानी, श्री अनिल कुमार जी लखोटिया, महेश्वरी सभा के अध्यक्ष श्री बुलाकी अदास जी मिमानी, एमबीवी के पूर्व अध्यक्ष श्री चंद रतन जी बिनानी और शिक्षिका श्रीमती सुचरिता रॉय की उपस्थिति रही। एमबीवी के प्रभारी अतिथियों का स्वागत श्री सुमित डागा ने किया और शिव पार्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद एमबीवी के विद्यार्थियों ने महेश वंदना गाई। अतिथियों को दुपट्टे और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। उन्होंने अपने विचार भी साझा किए और छात्रों, शिक्षकों और समिति के सदस्यों को लक्ष्य निर्धारित करने और उच्च सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। भगवान महेश और अतिथियों के आशीर्वाद से प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू करने के लिए मंच तैयार किया गया था। प्रतिभागियों ने अपनी सीटें ले ली और क्विज मास्टर्स श्रीमती सुस्मिता मित्रा और श्रीमती अनसुया मुखर्जी ने सवालों की बौछार शुरू कर दी। इसमें 8 राउंड थे, सामान्य राउंड, सब्जेक्ट राउंड, माइथोलॉजी राउंड, स्पोर्ट्स राउंड, ऑडियो विजुअल राउंड, करंट अफेयर्स राउंड, गुगली राउंड और रैपिड फायर राउंड। दर्शकों को जोड़े रखने के लिए उनके लिए प्रश्न भी थे। सवालों के जवाब देने में दर्शकों ने काफी उत्साह से हिस्सा लिया। उनके प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक छोटा सा पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता के अंत में अंतिम स्कोर कार्ड इस प्रकार था। टीम ए ग्रीन हाउस 130, टीम बी येलो हाउस 215, टीम सी रेड हाउस 140, टीम डी ब्लू हाउस 235। विजेता टीम ब्लू हाउस को एमबीवी सचिव श्री राकेश जी मोहता द्वारा विजेता ट्रॉफी और प्रमाण पत्र और महेश्वरी शिशु विहार सचिव श्रीमती द्वारा पदक प्रदान किए गए। कविताजी सादानी उपविजेता येलो हाउस को प्रमाण पत्र और मेडल दिए गए, जबकि रेड हाउस और ग्रीन हाउस को सहभागिता प्रमाण पत्र दिए गए। धन्यवाद ज्ञापन प्रभारी शिक्षक द्वारा किया गया। ये बेहद सफल आयोजन था जिसका उपस्थित सभी लोगों ने बिना किसी सुस्ती के भरपूर आनंद उठाया। प्रश्नोत्तरी की परिकल्पना श्री अश्विनी जी लखोटिया द्वारा की गई थी। प्रबंध समिति से प्रियंका जी राठी एवं श्री सुमित जी डागा। छात्रों को 6 सलाहकार शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया था। एमबीवी के शिक्षकों की क्विज कोर कमेटी की मदद से शो सुचारू रूप से चला। ये कार्यक्रम निकट भविष्य में इसे अंतर सदन से अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में परिवर्तित करने के सपने के साथ समाप्त हुआ। बालिका विद्यालय के तत्वाधान में हमारे मंत्री महोदय बालिका विद्यालय के राकेश जी मोहता ने जो प्रोग्राम करवाया है क्विज़ कंपटीशन से एक बच्चों में जनरल नॉलेज का एक नया समझिए कि
कंपटीशन की भावना से वो लोग आपस में अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, उनका नॉलेज बढ़ता है। बहुत ही अच्छा लगा ये सब प्रोग्राम आपस में स्कूलों में करवाने से, बच्चों में एक उत्साह बढ़ता है और वो आगे बढ़ने की अपनी कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। अनिल कुमार लाखोटिया, हावड़ा से। बच्चे महेश्वरी विद्यालय के बच्चे भैया राकेश मोहता जी, वो बहुत बच्चों को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। बस यही है कि आगे ऊंचाइयों में बढ़ते जाए। अनीता लाखोटिया। महेश्वरी बालिका विद्यालय द्वारा किया गया कार्यक्रम हमेशा अद्भुत रहता है और इन सालों में, पिछले एक साल से जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं राकेश जी के नेतृत्व में, वो वास्तव में यानी उसके लिए कोई शब्दावली नहीं है कि उससे उसका वर्णन किया जा सके। ये जो क्विज कॉन्टेस्ट हो रहा है ये हमारे बच्चों को उत्साहवर्धन करेगा। आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि श्री माहेश्वरी बालिका विद्यालय उन रिप्यूटेड बालिका विद्यालय यानी विद्यालयों में आना चाहिए जिसका कि हमें गर्व महसूस हो कि हमारे यहाँ भी माहेश्वरी बालिका विद्यालय नंबर 1 स्कूल बड़ा बाजार के अंदर में है। मैं कामना करता हूँ कि हमारे राकेश जी के नेतृत्व में ये और आगे बढ़े और इसके लिए हम पूरे जोर से जो मेहनत होगी हम लोग सब करने तैयार हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया है, आप क्या कहेंगे? ये आज के समय के हिसाब से स्टूडेंट को दिमाग का जो एक प्रोग्रेस के लिए ये बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा प्रयास है। राकेश मोहता ने जो इसके प्रयास को जो आगे बढ़ाया है, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम और भी भविष्य में होता रहे, तभी जा कर के बच्चों को भविष्य वो जा थोड़ा और उज्जवल होगा। यही मेरी उनको शुभकामना है। गौरी शंकर सोमानी। आज जो ये क्विज कंपटीशन अभी हो रहा है, इस क्विज कंपटीशन में करीबन स्टार्टिंग में 80 से 90 बच्चों ने भाग लिया था और सिलेक्शन राउंड होते होते ये बच्चे 24 के राउंड आ गए और उसके बाद में इंटर हाउस के हिसाब से 4-4 बच्चों को रेड येलो ब्लू ग्रीन सब 4-4 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। ये 4-4 बच्चे आज यहाँ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। विनर और रनर के लिए गोल्ड और सिल्वर मेडल है और साथ में जो विनर रहेगा उसके लिए एक ट्रॉफी है जो रहेगी स्कूल में ही, उन्हीं के ग्रुप के नाम से वो रहेगी और सभी बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ये सर्टिफिकेट और ट्रॉफी हमारे स्पॉन्सर MIBF की तरफ से दिया जा रहा है। हमारे को स्पॉन्सर, स्पॉन्सर्स और मीडिया पार्टनर सभी के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करूँगा और टीचर्स और बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस प्रोग्राम को तैयार किया है और आज इस ऑडिटोरियम में जो बच्चे बैठे हैं और इतने अभिभावक और हमारे पदाधिकारी के नाए हैं, मैं सबका दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारा हौसला बढ़ाया। इसी तरह वो आगे हौसला बढ़ाते रहेंगे, हम आगे का कार्यक्रम करते रहेंगे। धन्यवाद। आशीर्वाद है और सबके साथ मिलकर जो ये काम चल रहा है, हम लोग चाहते हैं कि बालिका विद्यालय का जो प्रगति का मार्ग है वो आगे खुलता रहे। सबकी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी पूरे समाज की है, वो हमें बराबर मिलती रहे। इसी तरह सबका साथ मिलेगा, आगे बच्चे और भी नया आयाम स्थापित करेंगे और यही हमारा मकसद है। आगे भी इसी तरह के बहुत ऐसे प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम आते रहेंगे जिससे बच्चों को मदद मिलती रहेगी। धन्यवाद। वी ऑल आर केम फॉरवर्ड इन दिस क्विज अथॉन 2023। वी आर वेरी थैंकफुल टू द टीचर्स हु हैव ग्रूम्ड अस वेल इन दिस क्विज कॉम्पिटिशन एंड थैंक यू फॉर द कोऑर्डिनेटर्स टू। We are very helpful and we are thankful to the teachers, to my principals as well as school for giving me this golden opportunity to perform in this quiz-athon 2023. Thank you so much, committee member, my school and everyone. Today, as we have won the quiz-athon 2023 with the winners, Blue House, I'm very happy and very grateful that we have won today. With my all the co-team members, Kashish, Sandhya and Rinki, they have also helped me a lot to make us forward this event. I am very much thankful to all the teachers for grooming up in this quiz competition. I am very much thankful to everyone. Thank you so much.